नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौशिक जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के फर्स्ट चैप्टर से आज शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन भी मीन्स समाकलन। समाकलन का जो फर्स्ट है उसके जो आवश्यक सूत्र हैं वो कराऊंगा, और 5 से 6 आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ही प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला है जैसे कि समाकलन के मात्रक सूत्र, ठीक है ना। तो पहला हमारा सूत्र है समाकलन के, जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ थोड़ा, कि समाकलन के जो होता है आवश्यक सूत्र। तो आवश्यक सूत्र कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। तो समाकलन के आवश्यक सूत्र होते हैं जैसे कि पहला हमारा समाकलन का पहला हमारा जो है पहला जो सूत्र है वो है हमारा कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स, ठीक है। इसका जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, उसका सूत्र होगा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। दोस्तों, इसका सूत्र सबसे आसान तरीका, जो ऊपर जुड़ेगा ना वही नीचे जुड़ेगा, ठीक है ना। जो पावर में जुड़ेगा वही नीचे जुड़ेगा। अच्छा, प्लस सी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और है, एन स्कल नॉट माइनस वन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो सूत्र, ये पहला हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि इंटीग्रेशन के डीएक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के डीएक्स इक्वल टू, इसका क्या होगा, इसका होगा के एक्स प्लस सी। सी सब में आएगा, ठीक है ना, सी नेसेसरी है, ये सब में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है कि इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डीएक्स, ठीक है। ये इसका क्या होगा, इसका होगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए प्लस सी, ठीक है। इसका सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर हमारा कि सूत्र है कॉस एक्स डीएक्स। तो इसका क्या होगा, इंटीग्रल कॉस एक्स डीएक्स, इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा कॉस का होता है साइन एक्स, इसका हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। ये सब का चल रहा है। अच्छा, फिफ्थ नंबर में जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, ये 5 थे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्स में कौन सा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्तों, डी एक्स। तो इसका क्या होगा, इसका होगा लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सेवन नंबर पे हमारा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा, एट नंबर पे है साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, माइनस के कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट है नौ नंबर पे कौन सा है, इसमें है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, इसका होगा टेन एक्स प्लस सी, सी नेसेसरी होता है सबके लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टेन नंबर पे है sec x into 10x, sec x into 10x is dx, इसका क्या होगा, इसका होगा sec x
sec x plus c, ठीक है। अच्छा ये यहाँ तक हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट 11 नंबर पे हमारा cot x, cot ये सबके आगे इंटीग्रेशन लग रहा है, ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन लग रहा है। यहाँ पे आ गया cot x, cot x dx, dx is equal to log log बेस e sin sin x plus c, ठीक है। अच्छा ये यहाँ तक हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर पे हमारा इंटीग्रेशन cos x x cos x cot x cot x dx dx इसकल टू इसका क्या होगा माइनस के cos x x प्लस सी, cos x x प्लस सी, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गए। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर पर है आपका cot x इंटीग्रेशन cot x dx, इसका क्या होगा, इसका होगा log e sin x इसमें प्लस सी, ठीक है ना। ये 13, 14, अच्छा ये हैं टोटल जितने भी कराए जाएंगे। अच्छा इसके अलावा जो भी इतने हैं मेरी नज़र में जो कि नेसेसरी सब क्वेश्चनों में पूछा जाता है, अच्छा इससे अलावा जो भी कोई होगा वो मैं तुरंत आपको बता दूंगा, जो भी क्वेश्चन में यूज़ होगा अप्लाई होगा तुरंत आपको बता दूंगा, ठीक है, नेसेसरी यही है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे रिलेटिव इन पे, ठीक है। तो चले देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है देखो दोस्तों। ये है इंटीग्रेशन एक्स एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 dx। ये आपका देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर 2016 और 2017 में पूछा जा सका है, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से डायरेक्ट हम कर देता हूँ x की पावर 4 अपॉन, जब जो यहाँ से जुड़ेगा वही नीचे जुड़ेगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू एक्स क्यू अपॉन 3, ठीक है, प्लस ये जो 3 है इसको बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है ये। अच्छा इसको जब हम नीचे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो होगा हमारा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर क्यू अपॉन 3 अपॉन 2 एक्स की पावर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, इसका जो आंसर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यहाँ से जब इसको कॉमन ले लेंगे ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा तो ये 3 स्टेप बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर में आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है देखो, आप देख सकते हो दोस्तों। इंटीग्रेशन 3x + 3 और x - 4 dx, ठीक है। तो इसका समाकलन करना है, कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसको समाकलन करने के लिए यहाँ पर ले कर देंगे, इस कॉमन डाल के यहाँ करेंगे हम इंटीग्रेशन x² - x - 12, ठीक है। ये माइनस थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ उसको। अच्छा ये इसका मतलब जो वो है ना गुणनखंड, जिसको हम आपने पढ़े होंगे 10th और 8th में, वो गुणनखंड कर दिए इसका। अच्छा इसका लिख देंगे dx, ठीक है। अब इसका जब हम दोबारा करेंगे तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है थोड़ा, अच्छा x dx माइनस 12 बाहर ले लेंगे, फिर इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अच्छा इसको करने के बाद फिर जब हम इसको आगे करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पर x की पावर क्यू अपॉन क्यू, यहाँ से जब 2 + 2 + 1 = 3 हो जाएगा अपॉन 2 + 1 = 3 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया है। अच्छा माइनस ये चिन्ह लग रहा है ना, माइनस ये वाला माइनस हो गया। अच्छा फिर यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2 अपॉन 2, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है पावर, तो x + 1 + 1 तो x नीचे x + 2। अच्छा माइनस जो यहाँ पर 12 चल रहा है तो 12 माइनस 12, ठीक है, चल रहा था जो हमारा।
अच्छा 12 लिख देंगे और प्लस इसी को यहाँ ख़त्म कर देंगे प्लस 3, क्योंकि इससे आगे हमारा होएगा नहीं, ठीक है ना। तो बस इतना ही। अच्छा आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं। इस जो भी क्वेश्चन लिखाए हैं उनके सूत्र लिखाए हैं उनके आधार पर कराऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जाने से पहले और बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके, बहुत ही आसान तरीके से कराई जाएगी। धन्यवाद।